नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। आगरमालवा में शनिवार को NHUI के कार्यकर्ता द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। सभी कार्यकर्ता द्वारा केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को कोसते हुए नारेबाजी की एवं गैस टंकी और चूल्हा लकड़ी को रखकर प्रदर्शन करते हुए NHUI के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने बताया कि सरकार दिन प्रतिदिन गैस टंकी, पेट्रोल एवं महंगाई को बढ़ावा दे रही है, जिससे मध्य वर्गीय परिवार एवं गरीब लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के युवा को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है और उनके साथ छल किया जा रहा है। पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बहुत ही महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए ये सरकार, देश में साल भर में 22% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 43% गैस टंकी के दाम बढ़े हैं और 67% खाने के तेल के दाम एक साल में बढ़े। बात करें युवाओं को रोजगार देने की, 4-5 करोड़ रोजगार देने की बात केंद्र और प्रदेश की सरकार ने की थी। आज देश का युवा और प्रदेश का युवा बेरोजगार है और पूरी तरीके से 70 साल में देश को क्या दिया, जो हम सब ने कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया था, आज उसको बेचने का काम सरकार कर रही है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हमने युवाओं को रोजगार देने की मांग की है और गैस की टंकी और पेट्रोल के भाव और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी गई है, उन सबको कम करने की मांग को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय के प्रदर्शन किया है और देश की जनता के सामने, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि केंद्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा की सरकार खाली हवाई फायरिंग, झूठे वादे करने और झूठे आश्वासन देने का काम कर रही है। कोरोना के नाम पर झूठा बहाना कर रही है। कोरोना गाइडलाइन की बोलते हैं और कल ही इनके प्रदेश की मंत्री यहाँ पर आके 1000 का कार्यक्रम करके जाती है और देश के युवाओं को सबसे ज्यादा यदि किसी ने ठगा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठगा है। आगरमालवा से जावेद खान की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।